नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हब ऑफ फेम में। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की एथलेटिक के खिलाड़ी हिमा दास के बारे में जानेंगे। एथलेटिक में लगातार गोल्ड हासिल करके इतिहास रच रही हिमा दास का नाम आज सभी की जुबान पर है। एक महीने के भीतर उन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हिमा की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। 18 साल की हिमा असम के छोटे से गांव डिंग की रहने वाली हैं, इसलिए उन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जानते हैं हिमा दास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, हिमा लड़कों के साथ अपने पिता के खेत में फुटबॉल खेला करती थी। जवाहर नवोदय विद्यालय के पीटी टीचर ने उन्हें रेसर बनने की सलाह दी। पैसों की कमी की वजह से उनके पास अच्छे जूते भी नहीं थे। स्थानीय कोच निपुण दास की सलाह मानकर जब उन्होंने जिला स्तर की 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता तो कोच भी हैरान रह गए। निपुण दास हिमा को लेकर गुवाहाटी आ गए ताकि वो अपना करियर आगे जो है रेसिंग में बना सकें। फैक्ट नंबर 2, हिमा पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिसने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ट्रैक में गोल्ड मेडल जीता है। फैक्ट नंबर 3, रनिंग ट्रैक की सुविधा मौजूद न होने के चलते हिमा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में रेसिंग की प्रैक्टिस मिट्टी के फुटबॉल मैदान में की थी। फैक्ट नंबर 4, हिमा दास असम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फैक्ट नंबर 5, 26 फरवरी 2021 को असम सरकार ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान हिमा दास को असम पुलिस में DSP के रूप में नियुक्त किया है। फैक्ट नंबर 6, वर्ष 2019 में हिमा दास ने मात्र 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। चेक गणराज्य में आयोजित क्लाइडनो एथलेटिक्स में भाग लेने पहुंची हिमा दास ने 17 जुलाई 2019 को अपने राज्य असम में आए बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन में से कुछ राशि दान कर दी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर बड़ी बड़ी कंपनियों और व्यक्तियों से भी आगे आकर असम की मदद करने की अपील की। फैक्ट नंबर 7, अगर हम बात हिमा दास की पसंदीदा फिल्म की करें तो उन्हें मोन जे और मिशन चाइना पसंद है। इसके अलावा उनका पसंदीदा ट्रैक एथलीट अश्विनी अकुनजी है और पसंदीदा जो खेल है वो फुटबॉल है। और पसंदीदा फुटबॉल जो खिलाड़ी हैं वो निकोलस बैलेस हैं और उनके पसंदीदा संगीतकार जुबिन गर्ग हैं। और हिमा दास को फुटबॉल खेलना, शूटिंग करना, संगीत सुनना और फिल्में देखना जो है वो बहुत पसंद है। इसके अलावा हिमा दास के पसंदीदा अभिनेता विक्की कौशल और पसंदीदा अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं। इसके अलावा हिमा दास की पसंदीदा जगह शिमला, हिमाचल प्रदेश है। फैक्ट नंबर 8, वर्ष 2021 में हिमा दास की नेटवर्थ $5 मिलियन थी जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 3.6 करोड़ है। हिमा दास की आय का स्रोत उनकी जॉब से प्राप्त वेतन है। इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट भी करती हैं। उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस लगभग 10 लाख है और ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना आय लगभग 60 लाख है। फैक्ट नंबर 9, 25 सितंबर 2018 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से हिमा दास को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1 नवंबर 2019 को कौन बनेगा करोड़पति में उन्हें अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ एक प्रसिद्ध टेलीविजन शो में भी वो दिखाई दी थी। तो ये थे हिमा दास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।